हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनो जोन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन के डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी मोड गेम प्ले के बारे में। आप लोग जानते हैं हम लोग यहां पर चैप्टर 2 द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को खेलने वाले हैं, जिसकी हमारी 5th वीडियो होने वाली है। आप लोग जानते हैं चैप्टर 2 काफ़ी बड़ा हो चुका है, यहाँ पर बहुत टाइम से चल रहा है। आप लोग जानते हैं ऑलरेडी इसकी हम 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया, चेकआउट ज़रूर करें आप। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग एंजॉय कर सकें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग गेम्स की गेम प्ले वीडियोज़ को। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप लोग जो साइड मिशन है उनको कंप्लीट करो, क्योंकि वो करने पड़ेंगे अल्टीमेटली, वरना आपका करेक्टर जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, वो अपग्रेड नहीं कर पाएगा। निकल गए हम लोग यहाँ पे एकदम चुपचाप, क्योंकि अगर आपने गलती से एक भी अल्ट्रॉन का पे फायर किया तो पूरी आर्मी आपके ऊपर चढ़ जाएगी। भाई डरते नहीं हैं हम लोग, डरते नहीं हैं ना, लेकिन फालतू में लड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है ना। अब देखो, या तो हम लोग जाएँ यहाँ पर कन्वर्जेंस लैब की तरफ जो कि मेन टास्क है, या फिर हम लोग एक और साइड मिशन यहाँ पर खेल लें। क्या करा जाए बताओ, क्योंकि 16 साइड मिशन हमने सिर्फ एक ही किया अब तक यार, तो काफ़ी काम पेंडिंग है। यहाँ जाना है, इसी तरफ हमें बात करनी है इससे। अब देखो ये बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो साइन शोर है लेवल 3, यहाँ पे आपको टैप करना था, तो हमें पहले पता नहीं था। हम लोग देखते थे कि ये सेम जो सेंटेंस रिपीट कर दिया जाए एक्चुअली में, जबकि आपको वहाँ पे टैप करना था। और हमें बोल रही है कि यहाँ पे मिलना है हमें डॉक्टर से, क्योंकि ये उनको ढूंढ रही है। और ये बोल रहे हैं हमारे भाई साहब कि लगता है मेरी रेपुटेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ यहाँ पर। और यहाँ पे स्काइलर बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें वेलकम करना चाहूँगी यहाँ पर रिसर्च सेक्टर के अंदर। और जैसे कि तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो, हम लोग इस समय ओमेगा फ्लाइट पे हैं, जो कि वैल्यू करती है प्राइवेसी और सिक्योरिटी को। हाँ देखा है हमने, अल्ट्रॉन्स बहुत सिक्योरिटी कर रहे हैं यहाँ पर, शर्म नहीं आती भाई साहब, मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि हम लोगों को एक क्लियरेंस प्रोसेस को भी पार करना पड़ेगा, सब करवा लो भाई हमसे, अल्ट्रॉन्स को भी हम लड़ें, स्पाइडरमैन से बातें भी हम करें, तुम्हारे ऑर्डर्स भी हम फॉलो करें, जान खा जाओ हमारी। तो इसने हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए, हमें वहाँ पर जाना है और रजिस्ट्रेशन डाटा मिल जाएगा हमें हमारा, जो कि हमें देना है जॉर्ज को। सिंपल है, ठीक है भाई, अब करो भाई, अब स्टोरी के अंदर करना पड़ेगा, क्या करें। तो करते हैं हम लोग यहाँ पर राइट ऑफ पैसेज को एक्सेप्ट, रिवॉर्ड मिल जाएगा हमें। और फिर बात करनी है कैसे, आप कोऑर्डिनेट्स दे दिए, अच्छा वहाँ पर ऊपर आ गया, जैसे सिस्टम लिखा हो रहा है कलेक्ट द रजिस्ट्रेशन डाटा, तो कुछ नहीं आपको वहाँ पे टैप करोगे और वहाँ जाना गिलनेट की तरफ, सीधा भागो भाई साहब। अच्छा यहाँ से डाटा ले लेगा अपना और काम फिनिश अपना, टैप करते हैं यहाँ पर। अच्छा वहाँ पे डॉक्टर खड़ा होगा, समझ गया जो ये बोल रही थी पहले कि हमें जाना डॉक्टर पेम के पास। और नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पर पैकेजेस का साइन। अच्छा जॉर्ज है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है। और ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन डाटा, मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात, क्या तुम्हें मॉर्न ने भेजा है? हाँ भाई उसी ने भेजा है। और ये बता रहा है कि ये इसने उसको काम दिया था सिटी के रिकॉर्ड्स का, जो कि कन्वर्जेंस के अंदर हेल्प करता। और ये बोल रहा है कि लगता है उसने तुम्हें ट्रिक कर दिया है और उसने अपना काम हमसे करवा दिया, और उसकी रेपुटेशन ऐसी है कि जो न्यू एजेंट्स आते हैं उनको वो पागल बनाती है। भाई अगर यहाँ पर गेम हमें फीचर दे तो मैं उसे यहाँ पर कुछ अपने मैजिक से बनाना चाहूँगा यार। भाई दो यार, अल्ट्रॉन्स को छोड़ के आए हम लोग यहाँ पर साइड टास्क करने के लिए, और ये अपने काम हमसे करवा रहे हैं भाई, आलसी एजेंट हैं इनके भाई, इतने तेजस्वी लोग हैं हद नहीं मतलब। चलो भाई यहाँ पे निपटा, मिशन हो गया ख़त्म हमारा, टैप कर लिया हमने। अरे अच्छा उसी पे ही दोबारा मिशन बन चुका है एक और। तो या तो हम वही मतलब, अच्छा तो मतलब आप लोग साइड मिशंस भी ऐसे कर सकते हो कि मतलब साइड मिशन जो है वो भी कंटिन्यूशन के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, सुपर विलन अपीयर्ड अल्ट्रॉन रिवेंज, जिसके लिए हमें पावर चाहिए 9500, हमारी समय यहाँ पर 7934, तो हम लोग यहाँ पर अभी वीक हैं। अच्छा तो ये काइंड ऑफ थोड़ा इंपॉर्टेंट गेम प्ले होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शायद बॉस बैटल करेंगे, लेकिन हमारी करंटली जो पावर है वो कम है, तो हमें यहाँ पर साइड मिशन को खेलना पड़ेगा आई गेस अपग्रेडेशन के लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इनको फाइट कर पाएंगे। तो फिलहाल तो मुश्किल है यार।
तो अल्टीमेटली इस समय तो हम लोग यहाँ पर साइड मिशन खेलते हैं और अपने लेवल को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, वरना उसके अलावा हम लोग कैरेक्टर्स के अपग्रेडेशन वाली चीज़ें होती हैं हमारी, उसके आर्मर हो गए या जो उसके अटैक्स के स्पेल्स हो गए को भी आप लोग यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो। तो आई गेस वो चीज़ हमें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं भाई, साइड मिशन खेलते हैं। यहाँ पर हम लोग अनऑथराइज एक्सेस जो है इस पर टैप करते हैं, देखते हैं। अभी तो वहीं जा रहा है। अच्छा, इसी का मिशन होगा फिर ये। टैप करते हैं यहाँ पे इसके मिशन की तरफ जो आ रहा है यहाँ पर अनऑथराइज एक्सेस वाला, और यहाँ पे बोल रहा है कि उस एजेंट ने तुम्हारा जो पागल बनाया है उसके बदले मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ ढंग की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हाँ भाई दे दो, पागल तो बना ही दिया हमारा। और ये बोल रहा है कि तुम ये सब चीज़ें आगे सीखने ही वाले हो, लेकिन अगर तुम कुछ चीज़ें सीख लेते हो पहले तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो इसने दिया हमें यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह, यहाँ पर तुम्हें कुछ स्मॉल मॉड्यूल मिलेंगे। अगर इसने भी यहाँ पर अपना काम हमसे करवाया मैं इसे पीट दूंगा भाई, साफ सीधी बात। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुम्हें प्राइमरी अर्थ के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जो मॉड्यूल है उसकी एक्सेस के थ्रू तुम लोग यहाँ पर ये कर सकते हो, और अगर हमें होती है यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम तो जो स्मिथ है वो इंचार्ज है मॉड्यूल्स का, तो हम लोग उससे भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर। पता नहीं, क्या पता भाई साहब, ये ग्रुप में हमारा पागल बना रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्सेप्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। और अब कहाँ जाना है, ग्रीनलाइट आ रही है, चलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर रिकॉर्ड मैनेजमेंट मॉड्यूल, अब यहाँ जाना है। अच्छा, इससे बात करनी है। और ये बोल रहा है यहाँ पर स्मिथ कि तुम 2 घंटे के अंदर यहाँ पर जो मॉड्यूल है उनको एक्सेस कर सकते हो। साथ में हमें ये भी बोल रहा है कि ये तुम्हारा ऑथराइजेशन नहीं है इसीलिए यहाँ पर लगेंगे 2 घंटे, वरना मतलब इनके जो स्टाफ के लोग हैं वो डायरेक्टली कर सकते होंगे, पर क्योंकि ये हमारी चीज़ नहीं है यहाँ पर इसलिए हमें 2 घंटे का टाइम बता रहा है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर जो सिटी के अंदर अल्ट्रॉन्स थे और उनका मेल फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से जो बाकी सिस्टम थे सिटी के उनकी मेंटेनेंस चल रही है, और एक बार जब वो हो जाएगा कंप्लीट सब कुछ रनिंग तब यहाँ पे हमें बता देगा। और फिर ये सर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओ एंड बाय द वे वेलकम टू ओमेगा फ्लाइट। शर्म करो भाई साहब, 6 वीडियो डाल चुका तुम, अब वेलकम कर रहे हो हमारा, तुमसे बड़े तो निक फ्यूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो चुका है हमारा क्लेम, पहले हमने रिवॉर्ड को यहाँ पर गोल्ड कॉइंस मिल चुके हैं हमें यहाँ पर। These lands are unfamiliar to me. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो हमारा सूट था डॉक्टर स्ट्रेंज का उसको हमने अपग्रेड कर लिया है, तो जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा मेन मिशन था उसके लिए हमको जितने पॉइंट्स चाहिए थे वो हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, आई गेस शायद उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो मेन मिशन है उसको खेल सकते हैं। तो यही होगा शायद, साइड मिशन को मैं ऑफलाइन ग्रैंड कर लूँगा और बाद में मैं आपको जो मेन मिशन है स्टोरी का वो दिखाऊंगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गेम का पहला तकड़ा विलन कौन सा है। स्टार्ट करते हैं अल्ट्रॉन रिवेंज सुपर विलन अपीयर्ड, जिसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर 9500, हमारे पास यहाँ पर 20,000 करंट पॉइंट्स देख सकते हैं आप लोग, यानी कि हमारा बहुत ज़्यादा इस समय पॉइंट्स हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं भाई, बूम बाम करते हैं मस्त। ओ भाई, यू नेवर सॉ माय फुल पोटेंशियल फादर, बट नाउ आई शैल शो यू। ओ शिट, आई सजेस्ट यू रिलीज आवर एलाय अल्ट्रा। Once the vision is freed from his enslavement, oh, bhai saab, he will be the key in unlocking the future for man and machine alike. Cinematic, bhai. Any who stand in the way of our evolution must be deleted. चलो भाई, हो चुका है यहाँ पे फाइट स्टार्ट हमारे अल्ट्रॉन के साथ। और यहाँ पे टोनी क्या बोल रहा है? अच्छा, तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि मतलब हर एक सुपर विलन की एक अपनी शील्ड होगी, तो जब हम उसे तोड़ देंगे तब हम लोग यहाँ पर उस पर फुल अटैक कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इसकी शील्ड को जब तक ब्रेक नहीं होती हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी बाकी चीज़ें और जो अल्ट है वो इस पर यूज़ कर पाएंगे। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जो हमारी गेम का पहला मेन विलन है अल्ट्रॉन, इसको पेलते हैं। और यहाँ पर क्या रहा है? अच्छा, ताकि हम लोग हमारा जो फोकस है व्यू का वो इसी पर है, टैप कर लेते हैं इसमें हम लोग। चलो भाई पेलते हैं, मज़ा आएगा। उड़ते हैं पहले तो हम लोग यहाँ से, क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी इसके छोटे अल्ट्रॉन्स भी आ चुके हैं यहाँ पर। चलो भाई ले बेटे, ओ ध्यान से अल्ट्रॉन आप लोग जानते हैं बहुत पावरफुल है भाई। ओ लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने क्या टिक पाएगा आप लोग जानते हैं, जो आ रहे जट सकते उसमें बाहर निकलना पड़ेगा, तो अगर उसके अंदर रहेंगे आप तो हमारी हेड डाउन हो सकती है, वो ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं दोबारा, पेलते हैं ऐसे यहाँ पर। डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर भाई ज़बरदस्त, बाहर निकल बहुत सही। अब नीचे बच्चे भी आ रहे हैं यार, एक काम करते हैं यहाँ पे जो व्यू आ रहा है इसका हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि छोटे छोटे अल्ट्रॉन्स हैं वो बहुत दुखी कर रहे हैं इस समय।
बहुत सही, बच गए हम लोग यहाँ पे। हाँ हमें वो जो छोटे अल्ट्रो पहले मैंने मार लेते हैं आठ तेरी, और ये मारा चक्राए हैं यहाँ पर हमने इसके आठ तुम्हारी। बहुत सही मजे, ओ भाई ज्यादा तेजी। आप लोग जानते हैं हमारा जो अल्ट है वो हाफ फिल हो चुका है यहाँ पर। मेरे भाने का हो भाई, अल्ट्रो का साइज देखो तुम एक बार, गजब भाई गेम के ग्राफिक्स देखो यार आप, और जो मजा आ रहा है खेलने में इस समय यार, गॉड लेवल। ले भाई अल्ट बस मारा हो चुका है यहाँ पे इसका, बाहर निकल बाहर निकल, बहुत बढ़िया ध्यान से खेलो एकदम, बल्लेबाजी नहीं करनी आपको, तरीके से खेलना है। 80% हमारा अल्ट रेडी हो चुका है। नहीं नहीं अरे रे 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 लग गई थोड़ी सी लग गई हमारे, क्योंकि बात यह है ना कि एक तो मेन विलन हमारा है, इसके बाद साथ में तो आ रहे हैं छोटे मोटे से अल्ट्रॉन, बच्चा अल्ट्रॉन। ले भाई ले, देखो उसकी फील्ड भी हो चुकी है यहाँ पर, हम खेल रहे हैं उसे, दोबारा फील्ड आ चुकी है उसके, साइड होना पड़ेगा हमें, बचते हैं यहाँ से। लेजर मार रहा है भाई सीधा, अल्ट का ही रेडी हो चुका है हमारा, क्या बोलते हैं इसे अल्ट दिखाते हैं और इसे फिनिश करते हैं यहाँ पर। टेक माय अल्ट, ये ले भाई खत्म। Witnessed a higher level of evolution. I am only the beginning. You humans cannot stop us. Accept it. The end of your species of evolution. तो मरता मरता वो बोलिए क्या हुआ है कि जो इवोल्यूशन है इनका वो अभी और बढ़ने वाला था, तो बस अभी बिगिनिंग है यहाँ पर, तो उसी के लिए यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहे हैं कि आ हायर लेवल ऑफ एवोल्यूशन, और ये बोल रहा है कि ये सुनने में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कम से कम यहाँ पर हम लोग पहली जो बॉस बैटल थी उसमें हम लोग सर्वाइव कर गए हैं। क्या बैटल था यार, अपने सिनेमैटिक्स देखे आपने और जो बैटल हुआ था कितना इंटेंस हुआ था, मजा भाई मजे। I'm fine, thanks to you. That was unpleasant, though not entirely unprecedented. तो यहाँ पे डॉक्टर बता रहे हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो अल्ट्रॉन्स थे वो इवॉल्व हो गए हैं, जो उनकी प्रोग्रामिंग कोड लिखा हुआ था उससे भी ज़्यादा, यानी कि कुछ मतलब कुछ डिफॉल्ट वगैरह होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग है, कि जिन्होंने जितना सेट किया था उस लिमिट को उन्होंने पुश कर दिया रोबोट्स ने अल्ट्रॉन्स से खुद ही अपने आप। और फिर ये बोल रहा है कि जब जब ऐसा हुआ है तब जो अल्ट्रॉन्स से बहुत बुरे हो चुके हैं, लेकिन जो ये वाला बंदा था जिसे हमने अभी फाइट करी अल्ट्रॉन्स से, ये तो भाई इसने तो अति ही मचा दी भाई एकदम, मतलब ये तो अपने क्रिएटर को मारने ही आ गया था भाई पूरा। और यहाँ पे ज़रा चेक करने वाला है कि क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो उसका प्रोग्राम था वो करप्ट हो गया और ये चीज़ जो बाकी अल्ट्रॉन यूनिट्स हैं उनमें ना फैले। आप लोग जानते हैं बहुत सारे अल्ट्रॉन्स हैं, छोटे साइज़ के भी हैं बड़े साइज़ के भी हैं, तो अगर उनका सारा ही करप्ट हो गया एक बार तो भाई हमारी बैंड बजने वाली है। आप लोग जानते हैं हमारा जो सेकेंड चैप्टर चल रहा है यहाँ पर द वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें बहुत बड़ा हमारी फाइट हुई अल्ट्रॉन्स के साथ, उन्होंने बहुत बुरा पेला है भाई, अगर जब उनकी पूरी आर्मी आ जाती तब हम अकेले हीरो कुछ नहीं कर सकते भाई, वहाँ पर एक ऐसे हमें पूरी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर बोल रहा है कि हम लोगों को चलना चाहिए हम हेडक्वार्टर्स पे, तुम जाओ और मैं ज़रा यहाँ पर जो तुमने इसको मार के अंजे पंजे ढीले कर रखे हैं मुझे साफ सफाई करनी पड़ेगी, थोड़ा निपटाना पड़ेगा यहाँ पे, और साथ में इसके कोड को चेक करेगा कि करप्ट कैसे हो गया। चलो भाई सीधा हम लोग भागते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आ रहा है, सीधा भागना है आपको यहाँ से। तो आ चुके हम लोग यहाँ पर हमारे हेडक्वार्टर्स में, वापस दिख रहे हैं आपको वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हीरोज खेल रहे हैं इस गेम को, यहाँ पे आ रहा है टैप टू क्लेम रिवॉर्ड, तो टैप पहले तो हमें कंप्लीट कर लिया यहाँ पर, और नेक्स्ट ऑन मिशन आ चुका है यहाँ पे गियरिंग अप फाइंड एजेंट एम। ओहो अगेन सिनेमैटिक आ चुका है यहाँ पे, एंड मेक श्योर टू डबल चेक द इन्वेंटरी, हैंग ऑन आई गॉट टू गो डील विद अ थिंग, बी बैक इन अ सेक। फाइनली यू आर हियर, आई हैव बीन वेटिंग फॉरएवर। यो यू गॉट टू चेक आउट व्हाट आई मेड फॉर यू, you're gonna love this. Hey, you thought you were the only one keeping busy? This right here is what I call the costume combiner. It's powered by Convergium. Pretty sick, right? This bad boy will let you customize your uniform in all kinds of rad ways. Check it, I already tested it out on my clothes. I mean, results may vary. चलो भाई चेक करते हैं इन्होंने क्या बनाया है यहाँ पर हमारे लिए, लेकिन उससे ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर टैप टू क्लेम रिवॉर्ड, तो वो कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे आ रहा है टॉक टू निक फ्यूरी, अच्छा और इसने बनाया क्या देख तो नहीं बना सर हम लोग। एजेंट एम हेयर आर द कॉस्ट्यूम्स यू कैन टेक टू द नेक्स्ट लेवल, अच्छा तो क्या करना है
सो विच कॉस्ट्यूम डू यू वॉन्ट टू एनहेंस? अभी तो भाई ये पता खुद रहा है यहाँ पर, तो हमें वही करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर कॉस्ट्यूम, ए आ चुका है मॉडर्न क्लॉक, और बी शोर टू चेक आउट द स्वीट अपग्रेड्स कॉस्ट्यूम। अच्छा ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हम लोग यहाँ पर। और अच्छा, उसको तुम्हें जिसके साथ करना है एनहेंस, मतलब शायद वो दो मिलके एक बनेंगे ऐसा होता होगा, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर एक और सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर कर लिया है, ठीक है ठीक है। ये क्यों दिखा? अच्छा, ये शायद ये कुछ ऐसे मेटेरियल थे जिनको हम एनहेंस कर सकते हैं, सब जो चीज़ें हैं उनको एनहेंस नहीं कर सकते। 6500, अरे पैसा तो हम पे बहुत है भाई, कर लो लूट लो। ओ भाई ये देखो, हमारा जो अटैक था वो 120 हो गया है, और नीचे अटैक वहाँ पे उसमें 6% इसमें इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अच्छा तो बता रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से गिफ्ट मान लो, तो सैंपल चल रहा है ना, मतलब अभी तो गेम समझाइए ट्यूटोरियल चल रहा है भाई इतना। ये देखो 4 स्टार वाला भी है, 3, 2, 2, 1 वाले हमारे पास हैं यहाँ पर काफ़ी। अब तो अच्छा, इस तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इनको कंबाइन कर सकते हैं एनहेंस करने के लिए, हमारा जो कॉस्ट्यूम है उसको एनहेंस करने के लिए, क्योंकि जब वो एनहेंस होगा तो उससे जो आपकी बैटल पावर है वो बढ़ती है, और वही एम पी मेन मिशन के अंदर मांगते भी हैं। तो चलो गाइस हम लोग ढूंढते हैं, जरा निक फ्यूरी के पास जाना है, हम लोग जानते हैं। यू मस्ट नॉट बैट, अरे भाई ठीक है भाई, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ डांटते ही रहते हैं भाई, निक फ्यूरी का काम यही है। सीधा भागते हैं हम लोग यहाँ से, लेवल 9 हमारा हो चुका है। ओहो वो खड़े भाई, अरे पहले बार किसी को डांट नहीं रहे यहाँ पर। और ये क्या है राइट में, वर्ल्ड मैप। अबे ये देखो, अभी तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ न्यू स्टार सिटी के अंदर, उसके अलावा देखो आप ओमेगा फ्लाइट हेडक्वार्टर्स भी है। अच्छा यहाँ तो हम जाते हैं फाइट करने के लिए, डार्क डोमेन भी है, हाइड्रा भी है। ओ भाई डार्क, ये देख लो, मतलब अभी ये सब लोकेशन ऐसी जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब गेम अभी और लंबी जाने वाली है। लेकिन हम लोग जानते हैं ये करने नहीं आए, हमें बात करनी है अपने फ्यूरी से, इनसे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। No one can hold out on their own, no matter how capable they are. तो ये बता रहे हैं कि जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हो जिनकी थिंकिंग जो है वो आपकी ऐसी होती है, तो वहाँ पर जो सिचुएशंस हैं भले ही कितनी बुरी हों पर वो थोड़ी सुधारी जा सकती हैं यहाँ पर। और ये बोल रहा है जाके तुम लोग बात करो स्टार लॉर्ड की तरफ से, जो कि वहाँ पे चीख रहा है। तो ये बोल रहा है कि वो एक्सपर्ट है इस एरिया का, और वो तुम्हें मिलाएगा तुम्हारी टीम के साथ जो तुमसे मिलती जुलती होगी। अरे स्क्वाड मिल रही है क्या हमें अपनी भाई? अरे वाह, हाँ सर जा रहे हैं, रुक जा पीछे पड़ गए। स्टार लॉर्ड कहाँ पे, टैप करते हैं। अरे पीछे ही है ये तो भाई, अरे भाई क्या सूट है इसका भाई, मस्त सूट लग रहा है स्टार लॉर्ड का, देखो एक बार जरा गोल्डन गोल्डन एकदम। ओ भाई हमारी स्क्वाड देखो आप लोग, तो ये गाइस हमारी फाइनल टीम बनी है, जो कि मतलब कंप्यूटर ने बनाई है सभी, तो यही चलने वाली होगी इनका सब भाई। अपग्रेड लग रहे हैं काफी, ऊपर आ रहा है यहाँ पर असेंबल, टैप टू क्लेम रिवॉर्ड। ओ भाई यू कैन ज्वाइन अ न्यू एजेंट अलायंस, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ मिशंस ऐसे हैं जो कि आप अकेले कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये न्यू एजेंट अलायंस वाले, मतलब यहाँ पर आपको टीम के साथ ही जीतना पड़ेगा। और अगर मेरे को कुछ क्वेश्चन हो तो यहाँ पर पूछो कि मैं अरे भाई ये देखो कह रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हें कुछ पूछना हो तो यहाँ से पूछना, मुझे धरती बचाने में बिजी हूँ मैं। भाई शर्म करो भाई, मुझे भेज रहे हो तुम, तो बैठे रहते हो वहाँ पर हेडक्वार्टर्स में, चक्कर हमसे लगवा रहे हो, वहाँ पे लोग अपने काम हमसे करवा रहे हैं। चलो कैसे आ चुके हम लोग यहाँ पे वापस। ओए एक मिनट, ये क्या नया बटन आ गया साथ में, ये क्या आ रहा है, ग्रो ग्रेट अटैक डिफेंस लो मिड, तो हम तो भाई मिड लेते हैं कैसे, यहाँ पर यूज़ करते हैं जो टॉप आ रहा है पिंक रंग में जो दिख रहा है यहाँ पे हमें पिंक कलर के अंदर। ये क्या हुआ भाई, इसे भी यूज़ करो फिर, तो ये 60 सेकंड में दोबारा रिकवर हो जाएगा। अच्छा तो आगे शायद ऐसा होगा कि बैटल करते होंगे तब उस समय आप उससे पहले यूज़ कर सकते हो ये, और फिर आप बैटल पर जाओगे तो शायद आपको कुछ चीज़ें इसमें एनहेंस होती हुई मिलेंगी अटैक डिफेंस के अंदर, ऐसा कुछ होगा सीन, बाकी तो हम लोग आगे एक्सप्लोर कर ही लेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की जो स्टोरी है इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यार थोड़ा सा भी एंटरटेन हुए, आपको मजा आया हो यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना यार, और आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पे टन्स ऑफ गेम खेलते हैं और फ्यूचर में होने वाली न्यू गेम्स को भी हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट जरूर दिखाएं यार। और अगर इस गेम का साइज़ बहुत ज़्यादा है, आप लोग खेल नहीं पा रहे हैं, तो यार देख के एंजॉय करो। मैं आपको एकदम डिटेल में गेम को दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बकाया मैं आपको एक डायलॉग का मतलब बता रहा हूँ कि क्या आ रहा है वहाँ पर और क्या लोगे भाई। एंजॉय करो यार, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताएं, और आपका एक्सपीरियंस इस गेम को खेलने कैसा रहा वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कौन सी गेम की वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपने अमेजिंग फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग गेम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने अमेजिंग फ्रेंड्स से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स।